लगते हैं जब ये आगे फिरते होते हैं, तो दूसरा ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए जानवर को या किसी परिंदे को आपस में लड़ा देना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ये एक आम मुर्गा देखें, ये पुरानी नस्लों में आता है, ठीक है। ये मियांवाली क्या है, मरोहे क्रासों में है, ये कुब्बों में यानी कि आता है। पुरानी नस्लें हुआ करती थी, अब तो हमें दिखने में नज़र ही नहीं आती। ठीक है, ठीक है, इसकी आयत का शोध करें, ठीक है। पूरा बाबा है माशाल्लाह, अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। ये मगर ब्रीडर है। अच्छा, तो तितर क्यों खेला जी ये दे नाल के? ये यानी कि रात भी लिया है कस्टमर कराए थे। अच्छा अच्छा, सेल करने के लिए। अच्छा सुफियान भाई, आप बाय भी कर लेते हो और सेल भी कर देते? जी जी, यानी कि सेल परचेज का काम है। कोई अगर मुर्गे आपको बेचना चाहता है तो वो भी बेच सकता है? हाँ जी, अगर रेट हमारा फाइनल हो जाएगा हम खरीदेंगे। हाँ जी, मगर फिलहाल हम नहीं खरीद रहे क्योंकि ये ईद यानी कि बिल्कुल करीब आ चुकी है। वो ईद को तो यार ईद के बाद ही तो खरीदने हैं ना। वरना सर जी वायरस फैला हुआ है ना, रानीखेत की बीमारी फैली हुई है। अच्छा, जिसकी वजह से यानी कि हम बड़ा माल देखें, आपके सामने ये जानवर रह गए हैं। बताया आपको पता है कि हमारे जानवर बाहर भी होते हैं और अंदर भी सारे भरे होते हैं, मगर इस वक्त हमारे अंदर एक ही इनक्यूबेटर मुर्गा है। सही है, रानीखेत का वायरस फैला हुआ है, मैं तो यही दूंगा। उसके लिए वैक्सीन वगैरह देते हैं? हाँ जी, रात को हमने उनको टीका लगाया, 1800 का यानी एक टीका हमारा है। अच्छा, खुदा नखास्ता अगर किसी के जानवर, किसी दोस्त जो वीडियो देख रहे हैं हमारी, उनका फ़ायदा कर दें कि अगर उनको रानीखेत या कोई हमला हो गया तो उसकी निशानियाँ क्या हैं? सबसे मेन पॉइंट निशानी है कि जो हमारा मुर्गा होता है ना, उसके दुपट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि अचानक अटैक ही होता है। ठीक है, ठीक है। जानवर हमारे पास ही हुआ है, वो बांग भी देता है, चलता भी मगर गिर जाता है, पट्टे यानी कि कमज़ोर हो जाते हैं। और दूसरी मेन पॉइंट के बाद छोटे जूते होते हैं, उनकी आँखें बंद हो जाती हैं। अच्छा, आप एक मिनट वो टीका दिखा सकते हैं सुहैल भाई? ऐ तुसी अगर रानी के अटैक हो जाता है जानवर किसी भी परिंदे के उत्ते, जानवर से तो नहीं, जानवर से भी हो जाता है कि परिंदों भी होता है? बस नहीं नहीं, इन परिंदों पे ही होता है ये रानीखेत जो हमारी। हाँ जी, ये परिंदों के लिए हम तो ये यूज करते हैं, जेंटा कैम्बिजोन, जेंटा कैम्बिजोन सोन दे नाम देना जी, ये इंजेक्शन है। और सबसे मेन पॉइंट के बाद अगर आपको पता चल जाए ना कि हमारे यानी कि जानवर में किसी एक को भी वायरस पड़ गया है, आप जो बकाया जानवर उनको सबको अलग कर दें, बेहतर तरीका यही है। अच्छा, उनको अलग कर दें? हाँ जी, उनको अलग कर दें। और जब यानी कि अब गर्मी का मौसम है, आप इनको यानी कि ना रानीखेत की गोलियां यूज करवाएं। अगर आपके जानवर गोलियां भी आपके पास पड़ी हुई हैं दिखाएं? ये आम मिल जाती हैं, सस्ती होती हैं, ये देखें। अच्छा, ये रानीखेत की गोलियां, ये यूज़ करनी चाहिए, इसका बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, सही। तो आप ये भी यूज़ किया करें। उसके बाद कुदरती अशिया, ये जो थोम होता है, थोम के अंदर लहसुन के अंदर बड़ी ताकत होती है, हम तो वैसे ये यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा एक जानवर बड़ा कमज़ोर हो चुका था, मगर हमने यूज़ किया, अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, बेहतर रिजल्ट है। लेकिन ये सारे जानवर तो माशाल्लाह तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल एक्टिव जानवर हैं। कभी कभार भी इनकी वैक्सीन होती है, वो जो इन्होंने रखे होते हैं वो इनकी वैक्सीन लगवाते हैं इनको। तो प्रॉपर तरीका यही है कि जो उस्ताद लोग हैं उनसे या इनके मशवरा किया जाए या डॉक्टर से जो मतलूबा इलाके का है। अच्छा, तो आप भाई अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए। 0310-50-83-963, ये मेरा नंबर है, नाम मोहम्मद सुफियान है। अच्छा। और लोकेशन हमारे गुजरांवाला राह वाली जामा मस्जिद कादरी है, वो भी सामने सामने ये साथ वाली हमारी दुकान है। आपके पास कौन कौन से परिंदे होते हैं फिलहाल? तो हमारे पास असील ही होते हैं, जोरे यानी के असील होते हैं, और कबूतर वगैरह भी हमने रखे हैं। अच्छा, बस फिलहाल तो यही रखा है, अभी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आइंदा आगे तोते वगैरह भी यानी कि सामान वगैरह लाएं, फिर आपको शौक करवाएंगे उन चीज़ों। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला जी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपके लिए मालूमाती वीडियोज़ जो हैं हम डालते रहेंगे। शुक्रिया।